वेलकम बैक टू कॉस्टी चैनल। आज मैं आपके साथ आलू के परांठे तीन तरीके से बनाना शेयर कर रही हूँ। जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सर्दियों में आलू के परांठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अचार के साथ साथ अगर घर का निकला हुआ फ्रेश मक्खन हो तो खाने का टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है। सबसे पहले आलू को बॉयल करके छील लेना है। अब इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देना है। आप ठंडे आलू को ही मैश करें, गर्म आलूओं को मैश ना करें, क्योंकि गर्म आलूओं के अंदर थोड़ा पानी होता है। आप चाहें तो इन आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं। सारे आलू को मैश कर लिया है, अब इसके अंदर मसाला डालने के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले एक चम्मच साबुत जीरा भून लें। इसे 2 मिनट तक भूनना है। भुना हुआ जीरा बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे एक चकले के ऊपर इस तरीके से निकाल कर बेलन से पीस लेना है। आप चाहें तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। पीसे हुए जीरे को आप एक कटोरी में निकाल लें। मैश किए हुए आलूओं में 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 से कम चम्मच देगी मिर्च, 2 कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए धनिया को भी डाल दें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 से कम चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें। अब सभी मसालों को आलूओं में मिक्स कर लें। मसाले में 2 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाली थी, जिसे बताना भूल गई थी। कसूरी मेथी का फ्लेवर परांठी में बहुत ही अच्छा आता है। गूंदे हुए आटे से आप इस तरीके से एक लोई बना लें और सूखा आटा लगाकर अंगूठे और उंगलियों से इस तरीके से दबाते जाएं। अब दोनों साइड से प्रेस कर लें। अब बेलन से 1 चपाती जितना इसे आप बेल लें। अब चाकू से सेंटर में इस तरीके से कट लगा लें। कट को हमें यहीं तक ही लगाना है। अब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा घी डाल दें। घी डालने से जो परांठी है बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब जो बनाया हुआ मसाला है 2 चम्मच दोनों साइड रख लें और हाथ से इस मसाले को फैला दें। अब हमें एक साइड से देखिए इस तरीके से उठाना है और फोल्ड करते जाना है, और जो मसाला है अपने आप ही सारे आटे में फैल गया है। अब इसे ऐसे उठाएं और ऊपर से बंद कर दें और नीचे से भी ऐसे दबाते जाएं और प्रेस करके सूखा आटा लगा लें और हथेली से और अंगूठे से इस तरीके से दबाते जाएं। दोनों साइड से प्रेस कर लें और बेलन से बेल लें। ये देखिए दोनों साइड मसाला जो है अपने आप ही सेट हो गया है। और तवे के ऊपर परांठी को डाल दें। तवे को मैंने पहले ही ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। परांठी को सिकने के बाद बदल लें। आप जो भी देसी घी या रिफाइंड यूज़ करते हैं उससे लगा लें। मैं ये डालडा घी लगा रही हूँ। डालडा घी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। महीने में 1 किलो डालडा घी हमें ज़रूर खाना चाहिए। मैं परांठी हमेशा डालडा घी से ही बनाती हूँ। दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से पका लें। देखिए परांठी बनकर तैयार हो गई है और इसे गर्मा गर्म खाएं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। सेम उसी तरीके से लोई को बनाना है और सूखा आटा लगाकर इसे एक इस तरीके से उंगलियों से दबाते हुए बना लेना है। अब इसके अंदर 2 चम्मच मसाले के डालने हैं। अब मसाले को आप अंगूठे से ऐसे दबाते जाएं और जो आटा है उसे कटोरी शेप में बनाते जाएं। ऊपर से इस तरीके से बंद कर लें और हथेलियों से दोनों साइड से दबा लें। अब सूखा आटा लगाकर आप अंगूठे से ऐसे दबाते जाएं और हथेली से भी इसे दबाते जाएं।
दोनों साइड से प्रेस कर लें और बेलन से इसे बेल लें। परौंठी बनाने का तरीका अलग है, लेकिन आटा और मसाला सेम वही है, इसलिए परौंठी में टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। अब इसे भी गरम तवे के ऊपर डाल दें और थोड़ी देर सिकने के बाद आप इसे बदल लें। सेम उसी तरह से दोनों साइड इसे घी लगाना है और दोनों साइड से बदल कर पकाना है। डालडा घी खाने से हड्डियों में ग्रीस रहती है। दोनों साइड घी लगा लेना है और इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे पकाना है। देखिए, दूसरे तरीके से परौंठी बनकर तैयार हो गई। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। जिन्हें परौंठी बिल्कुल बनाने नहीं आती है, इस तरीके से दो छोटी छोटी लोइयाँ बना लें और इन्हें बेल लें। दोनों लोई को पूरी की तरह बेलना है। आप इस तरीके से उठाकर चकले के ऊपर सूखा आटा डालें और इसके ऊपर दो चम्मच मसाले के डाल दें और इसे हाथ से फैला लें और जो दूसरी पूरी बनाई है उसे इसके ऊपर इस तरीके से रख दें और साइड से उंगलियों से दबा दें और इसके ऊपर अब सूखा आटा डालकर बेलन से बेल लें। देखिए, तीसरे तरीके से भी परौंठी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे तवे के ऊपर डाल दें और थोड़ी देर सिकने के बाद बदल लें और दोनों साइड घी लगाकर इसे पका लें। तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे, आप भी उस तरीके से आलू की परौंठी को बनाएं। खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। देखिए, तीसरे तरीके से भी परौंठी बनकर तैयार हो गई है। परौंठी बनाने की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।